सीधी तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और यहां संबोधित कर रहे हैं। इतनी 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दिशा से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, प्रदेश के हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना की कार्रवाई का हो या फिर जोन स्तर पर FSL लैब्स की स्थापना का, प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। भर्ती की प्रक्रिया में 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए प्रदेश में पुलिस बल में जो रिक्तियां थीं उन्हें तो दूर किया ही गया, बल्कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण और उन्हें तकनीक से युक्त करने की इस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए बहुत सारे मामलों में एक नजीर भी बनती हुई दिखाई दी है। लोग चर्चा करते हैं अक्सर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे क्रिटिकल माना जाता था, 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिरी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। और कानून का एक भय है, और सही मायने में कहें तो कानून का राज स्थापित करने की दिशा में जो कार्य हुए हैं, आज उसने उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में भी स्थापित किया है। प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हम लखनऊ में कर रहे हैं। यानी केवल हमें आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा, बल्कि अपराध नियंत्रण करने के लिए इसकी एक प्रभावी भूमिका होगी, और यह एक ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ उस प्रकार के दक्ष युवाओं को भी प्रदेश और देश को देने में सक्षम होगा। प्रदेश आज एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल का आधुनिकीकरण ही नहीं किया, बल्कि जिन कार्मिकों का हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस बल का उन्हें हिस्सा बनाया है, उनकी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर के उनकी आवासीय सुविधा का समाधान करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि अक्सर चर्चा होती थी, देखने को मिलता था कि जेल से अदालत तक या अदालत से जेल तक वापस लाने के लिए जिन वाहनों का उपयोग पुलिस बल करता था वे पुराने पड़ चुके होते थे, उनमें तकनीक का कहीं उपयोग नहीं किया गया था, और बहुत बार या तो कैदी वहां से भागते थे या फिर अपराधी गिरोह उन पर हमला करके कैदियों को छुड़वाने का भी शरारतपूर्ण चेष्टा करते थे। ये मॉडर्न प्रिजन वैन जो 56 की संख्या में आज यहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये
हर प्रकार की तकनीकी युक्त एक ऐसे वैन है जहां पर जो पुलिस कर्मी रहेंगे वे तो सुरक्षित रहेंगे ही, कैदी को भी जेल से कोर्ट तक और कोर्ट से वापस सुरक्षित जेल तक पहुंचाने में इनके माध्यम से मदद मिलेगी। एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के साथ जोड़ने और आवश्यकता पड़ने पर पैनिक बटन का इस्तेमाल करने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक गतिविधि को कैद करने और ऑटो लॉक से उसे युक्त करने की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, आज वह यहाँ पर ये मॉडर्न प्रिजन वैन के रूप में उत्तर प्रदेश गृह विभाग और कारा विभाग, गृह विभाग कारागार विभाग के लिए इन सब का उपयोग करेगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को और कारागार विभाग को हृदय से बधाई देता हूँ। पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दिशा में जो कदम उठाए जाने हैं वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल न केवल देश के अंदर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल है, बल्कि इस पुलिस बल के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के मन में विश्वास की सुदृढ़ भावना को और पुख्ता करने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से मॉडर्न प्रिजन वैन के समर्पण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी संबंधित को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में तकनीक का उपयोग करके, अधिकाधिक उपयोग करके प्रदेश के और जनसाधारण के मन में विश्वास की भावना को सुदृढ़ करने में सफल होंगे।